असलम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हिफाज़त रखे। इस दुआ के साथ शुरू कर दें आज का ब्लॉग। और क्या हाल है आप लोगों का? चलो आज बना लेते हैं, मकरोनी बना लेते हैं। दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा चलो मकरोनी बना लेते हैं। फिर हमने रख दी इसमें नमक मिर्च डाले, लहसुन डाले, और वो डाला सब्ज़ मिर्ची डाली, अदरक डाली, कूट लिया, फिर थोड़े से ये केचप डाली, इसको मिक्स कर लिया हमने, अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद हमने मीट डाला, चिकन का मीट डाला, फिर इसको थोड़ा सामने कच्चा पका कर लिया, फिर हमने डोंगे में डाल दिया, फिर हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर हमने लहसुन सब्जी डाली, कश्मीरी मिर्च थी, एक बंद गोभी थी, और नमक मिर्च डाला, ये थोड़ी हमने ये रख दी लादा गलने के लिए, रख दी मकरोनी, उसी तरह हमने भून लिया। फिर उसमें एक टमाटर डाला, फिर काली मिर्च डाली, दिल करता ना कभी कभी खाने का, मैं अकेले मैं ये खाती हूँ, घर में और तो कोई खाता नहीं।
मैकरोनी डाल दे। फिर मिक्स कर लिया। कोई भी कभी इंसान को बदल बदल गजाएं खानी चाहिए। एक तरह की गजा नहीं इंसान खा सकता। अगर इंसान है ना, उसका दिल करता है कि मकरोनी, कभी मकरोनी बना ली, कभी सलाद बना ली, बस एक प्लेट बनानी होती है। लेकिन स्ट्रगल तो इतनी बड़े करनी पड़ती है, जैसे 10 बंदों को लेके आया, जैसे एक को लेके आया। फिर उसमें मैंने इनके अब्बू के लिए गोश्त बना रही है, मटन बना रही है, क्योंकि वो तो रोटी खाते हैं, इसके से घर आके वो खाना खाते हैं।